Bismillahirrahmanirrahim. It's me Sayyid Muhammad Hasanada from MathyMath.com. Let's start with question number 6, and it is fourth part of exercise number 4.1. The statement of the question is x square minus 1 over x square plus 2x plus 1 multiplied by x minus 5 over minus into x minus 1. सबसे पहले तो ये माइनस फर्स्ट स्टेप में यहाँ पे बाहर निकल जाएगी, ये माइनस यहाँ पे आ गई तो यहाँ पे खाली रह गया x माइनस वन, x प्लस फाइव इसी तरह से है। यहाँ पे कुछ इस तरह से हमने किया कि ये जो ये यहाँ कुछ ये सिचुएशन बनी कि ये है x स्केयर, ये है 1, तो इसको हम 1 का स्केयर लिख सकते हैं, यानी ये 1 का स्केयर है। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो ये x स्केयर माइनस 1 का स्केयर, अगर दो स्केयर हो दरमियान में माइनस हो, दो स्केयर हैं दरमियान में माइनस है, तो इसको हम यानी x स्केयर माइनस 1 का स्केयर, इसको हम एक दफा माइनस करके एक दफा प्लस करके लिख सकते हैं। तो हम इसको लिख सकते हैं x माइनस 1 इंटू x प्लस 1। आप वैसे ही इसको सिंपली मल्टीप्लाई करके देखें, ये x स्केयर माइनस 1 नहीं आएगा, मल्टीप्लाइड बाई x प्लस 5 ओवर x माइनस 1। यहाँ x माइनस 1 x माइनस 1 से कैंसिल आउट हो गया, यहाँ डिनोमिनेटर में यानी बटे में कुछ सिर्फ इस तरह से किया कि ये x स्केयर प्लस 2x प्लस 1 है, इसको हम थ्रू कंप्लीटिंग स्क्वायर इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। चलें आप फार्मूला की तरफ चलते हैं। यहाँ पे फार्मूला में ये है कि अगर a स्केयर हो b स्केयर हो प्लस 2ab हो, तो इसको हम स्क्वीज करके a प्लस b का होल का स्केयर लिख सकते हैं। तो यहाँ पे भी बिल्कुल इसी तरह से हो रहा है कि यहाँ पे हमारे पास ये देखें x का स्केयर और यहाँ पे 1 का स्केयर। अब आप इसको a ले लें, इसको b ले लें, तो यहाँ पे है a इज इक्वल टू x, b इज इक्वल टू 1, तो ये आ गया x का स्केयर, ये आ गया 1 का स्केयर प्लस 2 इंटू ए एक्स बी 1। इसका मतलब है कि ये एक कंप्लीट स्केयर बन रहा है, तो इसको कंप्लीट स्केयर की शक्ल में हमने स्क्वीज किया, तो जब ये स्क्वीज किया तो ये बन गया x a प्लस बी यानी x प्लस 1 का होल का स्केयर। अब यहाँ पे x प्लस 1 इसी तरह से आ गया, x प्लस 5 इसी तरह से आ गया, यहाँ पे x प्लस 1 होल का स्केयर आ गया। इस x प्लस 1 होल स्केयर को यानी x प्लस 1 होल स्केयर को हम लिख सकते हैं x प्लस 1 इंटू x प्लस 1, पावर जितने ही होगी उस वो चीज उतने टाइम्स मल्टीप्लाई होगी। अगर यहाँ x प्लस 1 सारे का क्यूब होता तो ये x प्लस 1 इंटू x प्लस 1 इंटू x प्लस 1 होता। तो अब ये हमारे पास x प्लस 1 सारे का स्केयर, इसको हम लिख सकते हैं x प्लस 1 इंटू x प्लस 1। यहाँ पे ये x प्लस 1 इस x प्लस 1 से कैंसिल आउट हो गया, तो फाइनली हमारे पास जो आया ये माइनस इंटू x प्लस 5 ओवर x प्लस 1 आ जाएगा। ये क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। अगर आपके इसमें कोई कंफ्यूजन है तो आप हमसे कॉन्टेक्ट करें, हमारा यूट्यूब चैनल अवेलेबल है, आप उसे सब्सक्राइब करें ताकि हमारी लेटेस्ट अपडेट्स आपको मिलती रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग MathyMath.com।